नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। देश और दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। बिहार की स्थिति भयावह है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यवासियों को एक ओपन लेटर लिखा है। जी हां, खुला पत्र लिखा है और तेजस्वी यादव ने बड़ा अपील किया है और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अपील की है। क्या कुछ पत्र में लिखा है तेजस्वी यादव ने, आपको पढ़ के बताते हैं। तो तेजस्वी ने लिखा है, प्रिय बिहार वासियों, साकीय विफलताओं द्वारा आमंत्रित कोरोना महामारी की दूसरी लहर इंसानों पर कहर बनकर टूट रही है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सकों और आपातकालीन जरूरतों व चिकित्सीय सुविधाओं की भारी कमी से आप भलीभांति अवगत हैं। सर्वविदित है बिहार के अस्पतालों में दवा, बेड, ऑक्सीजन और इलाज का घोर अभाव है। यही वजह है चारों ओर लाशों के ढेर लगे हैं। कोरोना से हुई मौतों के भी आंकड़े को छुपाया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनम्र अपील है कि मानवता पर आए इस खतरे का हम सबको आपसी सहयोग, सक्रियता, साहस, सतर्कता और जागरूकता के साथ सामना करना है। एक दूसरे का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और बचाव के उपायों को अपनाएं। संक्रमित होने के बाद उपचार कराने से बेहतर है हम संक्रमित ना होने के उपाय पर ध्यान दें। उन्होंने 10 पॉइंट लिखा है और 10 पॉइंट में अपनी बातें रखी है और लोगों को जागरूक भी किया है। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट है, कोरोना के खिलाफ जंग में हम सब भी रक्षक हैं। दूसरा लिखा है, घबराएं नहीं, लक्षण दिखने और ससमय रिपोर्ट आने पर निरंतर चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें। घर में रहना सबसे आसान उपाय है, दुआ और दवा भी यही है। किसी गैर जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर ना निकले। चौथा लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरते। महामारी के इस संकट काल में शादी, ब्याह, सामूहिक भोज, मुंडन, जनेऊ तथा इस सभा इत्यादि सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। पांचवा लिखा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखे। छठा लिखा है, अपने हाथों को बार बार साबुन या फिर हैंड वॉश से धोते रहें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें, मास्क ना हो तो गमछे या रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। आठवां लिखा है, महिलाएं साफ दुपट्टा, चुन्नी, ओढ़नी या रुमाल को मास्क के रूप में प्रयोग में ला सकती हैं। नौवां लिखा है, बच्चों और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें बचाव के उपाय समझाएं। दसवां लिखा है, कोरोना से लड़ना सबकी जिम्मेदारी है, सभी ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रण लें कि हर नियम का पालन करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। हर बिहारी के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी है, हम हमेशा मुसीबतों से लड़कर जीते हैं, हमारा हिम्मत, हौसला और सही फैसला ही बेहतर परिणाम लाएगा, हम इस बार भी जीतेंगे। हमारे द्वारा बढ़ती हर सावधानी, अपनाया हुआ बचाव का हर उपाय तथा नियमों का पालन ही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। जय हिंद, जय बिहार। तो तेजस्वी यादव ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों से ये अपील की है और लोगों को ओपन पत्र के जरिए, यानी ओपन लेटर के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम कोरोना से बच सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।